नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं CNE TV और मैं हूं निशा बिष्ट। तो चलिए चलते हैं आज की खबर की तरफ। खबर है उत्तराखंड के टिहरी से, जहां टिहरी डैम में एक खास मशीन जो फ्रांस से लाई गई है उसका टेस्ट बिल्कुल सही रहा है। दुनिया में ऐसी सिर्फ 3 मशीनें हैं। वाह, तो चलिए बताते हैं आपको कि फ्रांस से लाई गई इस मशीन को टिहरी डैम के पंप स्टोरेज प्लांट में लगाया गया है और टेस्टिंग भी हो गई है। ये तो भारत के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि दुनिया में अब तक ऐसी सिर्फ 3 मशीनें बनी हैं। टिहरी बांध परियोजना के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर LP जोशी जी ने बताया कि पंप स्टोरेज प्लांट यानी PSP टिहरी डैम का बहुत जरूरी हिस्सा है। इससे 1000 मेगावाट बिजली बनती है। इसी PSP की पहली मशीन का टेस्ट बखूबी हो गया है। सारी टेस्टिंग सही से हुई है। इस महीने के अंत तक हम इस फ्रांसीसी मशीन से बनी बिजली को ग्रिड से जोड़ देंगे। 250 मेगावाट बिजली ग्रिड को मिलने लगेगी। एक बात और, इस मशीन को एक मल्टीनेशनल जी पावर कंपनी ने बनाया है जो फ्रांस में है। इस मशीन की फैक्ट्री भी फ्रांस में ही है। पहली मशीन वही बनी है। इसके कुछ पार्ट्स बड़ोदरा की जी पावर कंपनी में भी बने हैं। ये अपने आप में एक बहुत खास मशीन है। इसके हर हेड में अलग अलग स्पीड होती है। आपको बता दें कि भारत में इस तरह की ये पहली मशीन लगाई जा रही है जिसमें वेरिएबल फीचर है। इसी तरह की बाकी 3 मशीनों पर भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। ये देश के साथ साथ टिहरी के लिए भी गर्व की बात है। दुनिया में ऐसी सिर्फ 3 मशीनें हैं, कमाल है ना? इसी के साथ भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया है जहां 250 मेगावाट की पहली टरबाइन के रनर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले ये टेक्नोलॉजी फ्रांस और स्विट्जरलैंड में थी, और अब भारत तीसरा देश है जहां टिहरी डैम के PSP में इसका टेस्ट बिल्कुल सही रहा है। ये भी बता दूं कि अब तक एक मशीन भारत में लाई गई है और दूसरी मशीन फ्रांस में लगी है। एक और मशीन किसी दूसरे देश में लगी है। यानी कुल मिलाकर दुनिया में ऐसी सिर्फ 3 मशीनें हैं। धन्यवाद। और देश में इस प्रकार की पहली परियोजना है जिसमें कि हम ये वेरिएबल स्पीड मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसमें हमने अभी इसकी जो पहली यूनिट है उसका हमने मैकेनिकल रन किया है। और ये क्योंकि कमिश्निंग की दिशा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक माइलस्टोन है, और आगे की जो इसकी टेस्टिंग है वो गतिमान है, और हम आशा करते हैं कि इस महीने के अंत तक हम इस मशीन को ग्रिड के साथ जोड़ लेंगे। सर, ये मशीन कहाँ से लाई गई? ये मशीन इसकी फ्रांस में जो जी पावर है उसकी वहाँ पे जो फैक्ट्री है वहाँ पे बनी है पहली मशीन, और उसकी सारी टेस्टिंग हो चुकी है जिसमें हमने इसको मशीन को मैकेनिकली हमने स्पिन कर दिया है पानी से, और उसके बाद जो भी इलेक्ट्रिकल की जो टेस्टिंग है वो चल रही है, और ऐसा लगता है कि हमको महीने के अंत तक हम इसको ग्रिड के साथ कनेक्ट कर देंगे, और 250 मेगावाट की जो बिजली है वो ग्रिड को सप्लाई करने में सक्षम होंगे।